हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं द हिंदू वोकैबुलरी का। और ये वीडियो आपका पिछले 2 दिनों से नहीं आ पाया था, परसों मुझे आपको दूसरा वीडियो प्रोवाइड करना था, इस वजह से समय नहीं मिला और कल आपका वीडियो नहीं आ पाया। बट आगे से मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। बस आपको संडे को ये वीडियो तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन बाकी दिनों पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यू रहूं और मैं आपका लगातार आपको वीडियो देता रहूं, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सिर्फ संडे को छोड़ के बाकी की मंडे टू सैटरडे आपको वीडियो मिले। सो फिलहाल थोड़ी सी जानकारी मेरे बारे में। अगर आपने अभी तक मुझ भी मेरा पेज लाइक नहीं कर रखा है तो फेसबुक पर आप सर्च कर सकते हैं @ त्रिवेदी अमन 25। अगर आप इस एड्रेस को फेसबुक पर सर्च करेंगे आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा, वहां से आप उसे लाइक कर सकते हैं, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करता रहता हूं। आप उसे जरूर लाइक कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करिए @ अमन त्रिवेदी ऑन टेलीग्राम, जिससे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहां से आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली असाइनमेंट मैं पोस्ट करता हूं आपको amantrivedi.com पर, तो अगर आप ने अभी तक इस वेबसाइट को कभी ओपन करके नहीं देखा है तो ओपन करके देखिए amantrivedi.com, जिसमें मैं आपको डेली इंग्लिश का असाइनमेंट देता हूं, जिसमें आपके डेली 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश रहते हैं। तो उस असाइनमेंट को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप amantrivedi.com पर जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जानकारी अनअकैडमी के बारे में। अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, और अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2 कोर्सेज मेरे जो चल रहे हैं, एक है एक्सटेंसिव बैच कोर्स फॉर SSC CGL प्री एंड मेंस फॉर 2019। इस बैच को मैं आपको शुरू कर रहा हूँ, ये 16 अगस्त से शुरू हुआ है। इस बैच में मैं रीजनिंग और इंग्लिश वोकैबुलरी ले रहा हूँ। बरखा मैम आपकी इंग्लिश ग्रामर ले रही हैं, वरुण सर GS ले रहे हैं, चेतन और अमन सर आपके अमन ले रहे हैं तो मैथ्स ले रहे हैं। आप इनसे इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 2019 की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा देर इज़ अ प्रैक्टिस कोर्स ऑन ज्योमेट्री थ्रू 200+ MCQs। अगर आप इस कोर्स को भी ज्वाइन अभी तक नहीं किया है तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ज्योमेट्री के MCQs मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। ये आपका 9 बजे होता है शाम की क्लास, और इसकी होती है शाम को, मेरी क्लास होती है 7 से 8 बजे तक, ठीक। इनमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए आप प्लस पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। 12 मंथ का ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप 2019 की तैयारी कर रहे हैं। 5,000 रुपये का ये सब्सक्रिप्शन दिखता है, कंटिन्यू पर जाइए। उसके बाद आप मेरा रेफरल कोड डाल सकते हैं जो कि है अमन त्रिवेदी, उसे आप अप्लाई कीजिए। आपके पास कुछ क्रेडिट्स होंगे, आप उन्हें भी अप्लाई करेंगे तो 10% यहाँ से डिस्काउंट मिलेगा और 10% यहाँ से डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो कॉस्ट 5,000 दिख रही है, 5,000 से घटकर इतनी मेरी रह गई है, क्योंकि मेरे क्रेडिट्स थोड़े कम थे। अगर आपके क्रेडिट ज़्यादा हैं तो आपकी ये कॉस्ट 4,000 रुपये तक आ सकती है, अगर आपने आपके पास अच्छे क्रेडिट्स हैं तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरा कोड इस्तेमाल करिए, दैट इज़ अमन त्रिवेदी, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद जितने भी टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट सारे टीचर्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, ठीक है। तो ये तो थी इसकी बारे में जानकारी। अब आगे बात करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में और आज के द हिंदू वोकैबुलरी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पहला वर्ड हमारा मिलता है डिमोनाइजिंग मोदी ऑल द टाइम वोंट हेल्प। जयराम रमेश ने वॉन्ट किया है अपोजिशन को, यानी कि हर समय मोदी की बुराई करना, हर समय उनको डिमोनाइज करने से कुछ नहीं होगा, इससे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने अपोजिशन को इस बात के लिए वॉन्ट किया है। आगे बोलते हैं जॉनसन सीज रिवॉल्यूशन, जॉनसन सीज सॉल्यूशंस रेडली अवेलेबल फॉर आयरिश बॉर्डर। उन्होंने कहा है आयरिश बॉर्डर के लिए सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आगे बोलता है रुपी हिट्स 8 मंथ लो, सेंसेक्स डिप्स 587 पॉइंट्स एमिड सेलिंग प्रेशर। याद रखिए एमिड का मतलब क्या होता है, एमिड का मतलब होता है के दौरान, किसी परिस्थिति के दौरान अगर हमें बात करनी होती है, किसी जगह के बीच में बात करनी होती है तो हम एमिड का इस्तेमाल करते हैं, और लोगों के बीच में हमें बात करनी होती है तो हम एमंग का इस्तेमाल करते हैं, इसे आप याद रखेंगे। आगे कहता है रहाणे राहुल रिवाइव इंडिया आफ्टर रॉच रॉक्स टॉप ऑर्डर। तो जब रोच ने टॉप ऑर्डर को रॉक कर दिया, यानी कि टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया, तो रहाणे और राहुल ने रिवाइव किया है टीम इंडिया को। तो रिवाइव करने का मतलब होता है पुनः से गेम में लाना, पुनः से किसी को जागृत करना एक तरीके से। आगे मैक्रॉन ने कहा है नो स्पेस फॉर थर्ड पार्टी मीडिएशन इन कश्मीर। कश्मीर में कोई भी थर्ड पार्टी मीडिएशन का चांस ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। इंडिया टू रिसीव फर्स्ट राफेल फाइटर जेट नेक्स्ट मंथ। इंडिया को पहला राफेल फाइटर जेट अगले महीने मिलने वाला है, मिस्टर मोदी ने कहा है। इसके अलावा बूस्ट टू टाइज, यानी कि वो अपने जो टाइड हैं आपके, जो उनके साथ संबंध हैं, उनको वो और मजबूत करने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन बिफोर दियर मीटिंग एट चेटेऊ ऑफ चैंटिलिटी, ये वहाँ की जगह का नाम है इसलिए उन्होंने इस तरीके से लिखा है। आगे बोलते हैं चिदंबरम इन CBI कस्टडी, दिल्ली कोर्ट ग्रांट्स 5 डे रिमांड का उन्होंने ऑर्डर दे दिया है।
फॉर हिज इंटेरोगेशन इन द INX मीडिया केस। यानी कि एक इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेशन देखिए इंटेरोगेट होता है वर्ब, एक वर्ब होती है आपकी इंटेरोगेट, उसी से आपका ये नाउन बनता है इंटेरोगेशन, और ग्रिल करना भी इसी का नाउन होता है। ग्रिल करना मतलब किसी चीज़ को भूनना भी होता है, जैसे आप भुट्टे वगैरह को भूनते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रिलिंग। और ग्रिल करने का मतलब किसी से पूछताछ करना भी होता है, ठीक है। तो ही कन्फेस्ड आफ्टर द एक्ट ऑफ आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्पेशली इन एग्रेसिव वे, उसे हम कहते हैं इंटेरोगेशन, यानी कि पूछताछ करने को इंटेरोगेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया ही कन्फेस्ड आफ्टर 4 days अंडर इंटेरोगेशन, यानी कि उसने जब उससे बहुत बार पूछा गया तो उसने चौथे दिन आखिरी में 4 दिन के बाद में कन्फेस किया इस बात को, ठीक। और उसने किस बात की परमिशन दे दी है, रिमांड की परमिशन दे दी कोर्ट ने। रिमांड का मतलब होता है टू सेंड समबडी अवे फ्रॉम अ कोर्ट टू वेट फॉर दियर ट्रायल विच विल टेक प्लेस एट अ लेटर डेट। यानी कि कोई भी किसी को भी रिमांड पर लेने का मतलब हो गया कि कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर देना कि आप इनको गिरफ्तारी में ले सकते हैं, इनसे पूछताछ कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हो गया द टू मैन वर चार्ज्ड विद बर्गलरी एंड रिमांडेड इन कस्टडी, यानी कि 2 लोगों पर बर्गलरी का चार्ज लगा था और उन्हें कस्टडी में रिमांड पर लिया गया, यानी कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि आप उन्हें रिमांड पर ले सकते हैं जब तक कि अगला ट्रायल नहीं होता है, ठीक है। ये तो हो गया रिमांड। आगे बोलते हैं डिप्रेसिंग सेज ममता, ममता जी ने कहा है कि ये डिप्रेसिंग है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है। और उसके बाद बोलते हैं कांग्रेस मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, कांग्रेस ने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। ट्रंप सजेस्ट इंडिया शुड फाइट इस्लामिक स्टेट इन अफगानिस्तान, ट्रंप ने कहा है कि इंडिया को इस्लामिक स्टेट से अफगानिस्तान में लड़ना चाहिए। उसके बाद देखिए लिखते हैं अफगान पश्तून फाइटर्स पॉइज्ड टू एंटर JNK। पॉइज्ड टू का मतलब क्या होता है, ओवर 100 ट्रेंड मिलिटेंट्स पोजिशनड बाई पाक एट LOC वॉन इंटेलिजेंस इनपुट्स। यानी कि इंटेलिजेंस इनपुट ने कहा है कि करीब 100 ट्रेंड मिलिटेंट्स को पाक के LOC बॉर्डर पे उन्हें वॉर्न कर दिया गया है। तो टर्म आया यहाँ पॉइज्ड टू। पॉइज्ड टू का मतलब क्या है, पॉइज्ड का मतलब क्या है, पॉइज्ड इज एन एडजेक्टिव, मीनिंग होता है इन अ पोजिशन दैट इज कम्प्लीटली स्टिल बट इट इज रेडी टू मूव एट एनी मोमेंट। यानी कि वो लोग पॉइज्ड हैं वहाँ पर, वो उन्होंने अपने आप को होल्ड कर रखा है और जैसे ही उन्हें आदेश मिलेगा वो एंटर करने के लिए कोशिश करेंगे, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, इसे हम कहते हैं पॉइज्ड करना। तो पॉइज्ड होना, जैसे आई एम पॉइज्ड, यू आर पॉइज्ड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, तो पॉइज्ड टू का एक मतलब डिटरमाइंड टू भी होता है कि वो इस चीज़ को लेकर दृढ़ निश्चय एकदम डिटरमाइंड है, वो करेंगे ही मानेंगे। पॉइज आपका नाउन भी होता है, पॉइज जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है काम एंड कॉन्फिडेंट मैनर विद कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स और बिहेवियर, यानी कि शांत और कॉन्फिडेंट मैनर, शांत व्यवहार और बहुत ही कंट्रोल बिहेवियर की। हाँ, हिज परफॉर्मेंस वॉज फुल ऑफ मेच्योरिटी एंड पॉइज, हिज परफॉर्मेंस वॉज फुल ऑफ मेच्योरिटी एंड पॉइज का मतलब हो गया कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो एकदम मेच्योरिटी और पॉइज से फुल थी, यानी कि पूरा कॉन्फिडेंट था और वो बिहेवियर काफ़ी उसका शांत था। पॉइज जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो इसका मीनिंग होता है टू होल्ड समथिंग इन स्टेडी इन अ पर्टिकुलर पोजिशन स्पेशली अबव समथिंग एल्स। किसी चीज़ को होल्ड करना, किसी व्यक्ति को होल्ड करना एक पर्टिकुलर पोजिशन में, स्पेशली अबव समथिंग एल्स, किसी के ऊपर होल्ड करके रखना। फॉर एग्जाम्पल द हॉक पॉइज्ड इन मिड ईयर रेडी टू स्वूप, यानी कि हॉक जो था वो मिड ईयर पॉइज्ड था, अपने आप को वहाँ पर रोक के रखा था और कभी भी वो उस पर हमला कर सकता था, अटैक कर सकता था। शी पॉइज्ड द जेवलिन इन हर हैंड बिफोर द थ्रो, यानी कि जिससे पहले उसने जेवलिन फेंका उसके पहले उसने हाथ में उसको थोड़ी देर तक पॉइज करके रखा, रोक के रखा, ठीक। आगे यहाँ पर बोलते हैं EPFO टू रीस्टोर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, देखिए कम्यूटेशन 2 सेंस में आता है, किसी भी वर्ड में TION आएगा तो वो हमेशा नाउन रहेगा, ठीक है। कम्यूटेशन 2 तरीके से आता है, एक बार लॉ के टर्म में, एक फाइनेंस के टर्म में। यहाँ पर पेंशन की बात है तो फाइनेंस का टर्म है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, द एक्ट ऑफ रिप्लेसिंग वन मेथड ऑफ पेमेंट विद अनदर, एक मेथड पेमेंट का मेथड रिप्लेस करके दूसरे पेमेंट मेथड को लगाना। दूसरा, जब लॉ के रूप में इसका मतलब होता है तो इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग द पनिशमेंट लेस सीवियर, किसी की सजा को कम लेस सीवियर करने के लिए आता है कम्यूटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया अ कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि अ कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी किसी के मृत्युदंड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदलना। तो कम्यूटेट करना मतलब हो गया किसी चीज, किसी की पनिशमेंट को लेस सीवियर बना देना, उसे कहते हैं कम्यूटेशन, ठीक है। तो कम्यूटेशन समझ में आ गया। राजस्थान फ्री मेडिसिन स्कीम गेट्स फर्स्ट रैंक, उसको फर्स्ट रैंक मिला है। 9 पार्टीज ने GMK लेट प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है। दे सॉट द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन कश्मीर, उन्होंने डिमांड किया इस बात का।
उसके बाद कहते हैं शिवा मोगा विलेजर्स ऑप्ट फॉर सेल्फ हेल्प बिल्ड ब्रिज, उन्होंने बिल्ड बनाया, ये सारे वर्ड्स आ गए। अगले बोलते हैं मैट्रिमोनियल टू पे फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड सर्विसेज, उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ केस हुआ है। इसके बाद यहाँ लिखते हैं DCW बस्ट सेक्स रैकेट टू रेस्क्यूड। तो बस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए बस्ट के कई मतलब होते हैं। बस्ट का एक मतलब जब ये नाउन होता है और एक बार जब वर्ब होता है, जैसे यहाँ पर वर्ब के साथ एस आया है यानी कि वर्ब है, ये यहाँ पर ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग, जैसे भांडा फोड़ करना हिंदी में जिसे आप कहते हैं भांडा फोड़ करना, ठीक है, या किसी चीज को तोड़ना फोड़ना। तो बस्ट किया है सेक्स रैकेट, यानी कि उन्होंने एक सेक्स रैकेट को भांडा फोड़ किया, उसको खोजा। सो टू सडनली एंटर अ प्लेस एंड सर्च इट और अरेस्ट समबडी, किसी जगह पर अचानक से धड़धड़ाते हुए घुस जाना और उसकी उसकी खोज करना और किसी को गिरफ्तार करने के लिए आता है बस्ट करना, ठीक। बस्ट करने का मतलब किसी को डिमोट करना भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कॉप्स बस्टेड द गैंग फॉर ड्रग्स, यानी कि कॉप्स ने गैंग फॉर ड्रग को भांडा फोड़ किया, उसको पकड़ लिया, ठीक। अब बस्ट से देखिए इडियम बनते हैं, जैसे बस्ट अ गट डूइंग समथिंग, बस्ट अ गट डूइंग समथिंग मतलब होता है टू मेक अ ग्रेट एफर्ट टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने की ग्रेट एफर्ट करना, बहुत ही कड़ा प्रयास करना। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया इट्स अ प्रॉब्लम दैट नो वन इज गोइंग टू बस्ट अ गट ट्राइंग टू सॉल्व, ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए कोई भी एक एफर्ट नहीं देना चाह रहा है, कोई भी प्रयास नहीं करना चाह रहा है इसको सॉल्व करने में। तो बस्ट अ गट का मतलब हो गया, बस्ट अ गट डूइंग समथिंग मतलब किसी कार्य को करने का प्रयास करना, ठीक। अगला आता है बस्ट अप, बस्ट अप का मतलब क्या होता है, बस्ट अप का मतलब होता है टू हैव एन आर्ग्यूमेंट एंड सेपरेट, ठीक है, किसी कोई आर्ग्यूमेंट होना और सेपरेट करना, जिसे आप ब्रेकअप कहते हैं, ब्रेकअप करना, ठीक है, जैसे आई बस्टेड अप विद हर, तो मतलब हो गया मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, ठीक। अब देखो बस्ट से रिलेटेड आपके बस्ट एक जब नाउन होता है तो ये क्या है, मूर्ति का नाम है, किस तरीके की मूर्ति है इसको मैं अभी आगे थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आप बाकी टाइप की मूर्तियां मैं बता देता हूं। जैसे यहां लिखा है स्टोन स्पाउट, स्टोन स्पाउट या गार्गोइल मतलब क्या होता है, ऐसी मूर्ति थ्रू विच वाटर इज कैरीड अवे, जिससे पानी निकलता है उसको हम कहते हैं स्टोन स्पाउट या फिर गार्गोइल, जिससे पानी की निकल रहा है, ऐसी कुछ मूर्ति आपने देखी होंगी। इसी तरीके से होता है मैनेक्विन, मैनेक्विन किसे कहते हैं, मैनेक्विन कहते हैं जब आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, तो कपड़े पहने एक मॉडल खड़ा रहता है, तो जब मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग क्लोथ्स इन शॉप्स और स्टोर्स, उसे हम मैनेक्विन कहते हैं या फिर मैनेक्विन भी कह सकते हैं, ये भी इसकी स्पेलिंग हो जाती है, ठीक है। कैरिकेचर क्या होता है, कैरिकेचर होता है कार्टून को आपने देखा होगा, जैसे आपके लैपटॉप में या फिर लैपटॉप कह रहा हूँ आपके न्यूज़पेपर में कार्टून्स निकलते हैं, तो उसे हम कैरिकेचर कहते हैं। अ फनी ड्राइंग और पिक्चर ऑफ समबडी दैट एग्जेजरेट्स सम ऑफ देयर फीचर्स इज कॉल्ड कैरिकेचर, ठीक। इसके अलावा एफिजी क्या होता है, एफिजी होता है स्टैचू ऑफ अ फेमस पर्सन या फिर अ मॉडल ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स देम लुक अगली, या फिर जैसे आप कहते हैं ना पुतला जलाया, तो पुतला जलाने के लिए आता है, जो पुतला होता है उसे हम एफिजी ही कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी तरीके की जितनी भी मूर्तियां हो सकती हैं वो मैंने बता दी। आपकी आइडल मतलब होता है आइडल वर्शिप, मूर्ति के लिए आता है, किसी भी की भी मूर्ति के लिए, भगवान वगैरह के लिए, वो आइडल वर्शिप में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है एंड द नेक्स्ट इज टेम्पल रॉ लोकल्स एंग्री एट नॉ मॉब फॉर डैमेजिंग प्रॉपर्टीज, लोग गुस्से में हैं प्रॉपर्टीज को डैमेज करने के लिए। रॉ का मतलब मैं बता चुका हूँ, रॉ के तीन मतलब होते हैं, एक रो पंक्ति, दूसरा मतलब डिस्प्यूट, तीसरा मतलब बोट सेल करना, ये मैं पहले ही लिखा चुका हूँ। गिव लैंड टू फॉलोअर्स विल है गिव 100 acres इन रिटर्न, तो इसके आगे तो इसमें कुछ खास ऐसा वर्ड नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर लिखा है डेले, हाँ ये जो देखिए मूर्ति बनी है इसी को हम बस्ट कहते हैं, जो इस तरीके की मूर्ति होती है दिस इज कॉल्ड बस्ट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बस्ट बींग ब्लैकेंड ऑन थर्सडे, डेली NSUI चीफ ब्लैकेंस बस्ट ऑफ सावरकर इंस्टॉल्ड ऑन नॉर्थ कैंपस, तो उसे उन्होंने क्या किया है, ब्लैकेंड किया है उसको, उस पर इससे काली स्याही डाली है, तो उन्होंने कहा है कि अक्षय लाकरा सेज इंस्टॉलेशन ऑन कैंपस वॉज एन अटेम्प्ट टू ग्लोरीफाई अ ट्रेटर, एक ट्रेटर को ग्लोरीफाई करने की कोशिश थी, ठीक। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आता है आपका रूममेट हेल्ड फॉर सोडोमाइजिंग 25 year old, सोडोमाइज करने का मतलब क्या होता है, सोडोमाइज इज अ वर्ब सॉरी विच मीन्स दैट टू हैव एनल सेक्स विद somebody, ठीक है, टू हैव एनल सेक्स विद somebody इज कॉल्ड सोडोमाइज करना, एंड इसके लिए इसको हेल्ड किया गया है यानी कि गिरफ्तार किया गया है, ऑलराइट। इसके अलावा वीडियो ऑफ गार्ड वेल्डिंग बैटन, बैटन मतलब क्या होता है, बैटन मतलब होता है लाठी, रेजेज आईब्रोज SOP फॉर कंट्रोलिंग क्राउड्स क्वेश्चन, तो वीडियो ऑफ गार्ड वेल्डिंग, वेल्डिंग मतलब होता है आपका वेल्ड करने का मतलब होता है, वेल्ड इज अ वर्ब मीनिंग होता है टू हैव एंड यूज पावर और अथॉरिटी एटसेट्रा,
आपके पास पावर होना और उसे इस्तेमाल करने के लिए आता है वेल्ड करना, टू होल्ड समथिंग रेडी टू यूज इट एज अ वेपन, किसी चीज को होल्ड करना और आप उसे एज अ वेपन इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो. फॉर एग्जाम्पल शी वेल्ड्स इनॉर्मस पावर विद अ पार्टी, शी ही वॉज वेल्डिंग अ लार्ज नाइफ, वो एक काफी, यानी कि एक किसी भी हथियार को लहराने के सेंस में आता है वेल्ड करना, मतलब दिखाना एक तरीके से. ठीक, तो यहां तक हो गया वेल्ड आपका. इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो वर्ड आपके कल मैंने आप कल का जो न्यूज़पेपर था उसकी वोकैबलरी मैंने आपको नहीं कराई थी, तो उसी के वोकैबलरी को आगे बढ़ते हैं. अच्छा, यहाँ पर पंजाब टू कैनलाइज लिखा है, कैनलाइज का मतलब होता है वो नहरें बनाने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि वर्ल्ड बैंक और ADB से. चलिए, कल का जो न्यूज़पेपर था उसके भी मैंने कुछ वर्ड्स आपके छांटे थे बट मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो वो भी हम एक बारी देख लेते हैं फटाफट. देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पहला वर्ड हमारा था कि विल डू माय बेस्ट टू मीडिएट इन द इशू. मोदी, इन्होंने, ट्रंप जी ने कहा कि वो मीडिएट करने के लिए रेडी हैं, जबकि उनसे कोई मीडिएशन मांग नहीं रहा, फिर भी वो रेडी हैं हेल्प करने के लिए. तो मीडिएट करने का मतलब होता है, मीडिएट इज अ वर्ब, मीनिंग होता है टू ब्रिंग अकॉर्ड आउट ऑफ बाई एक्शन एज एन इंटरमीडियरी, यानी कि किसी के बीच में आप इंटरमीडियरी, किसी मध्यस्थता करके, मीडिएट करना मतलब होता है किसी को मध्यस्थता करना. फॉर example, ही हैज बीन अपॉइंटेड टू मीडिएट द इशू, उसको इशू को मीडिएट करने के लिए उसे अपॉइंट किया गया है, यानी कि उन्हें इसके लिए नियुक्त किया गया है. ठीक है, मीडिएट करने का मतलब होता है मध्यस्थता करना किसी इशू को सॉल्व करने के लिए. एग्जाम्पल के तौर पर आ गया इंटरसीड करना, इंटरवीन करना या मेडल करना. ठीक, अगला वर्ड देखिए, यहाँ पर लिखा था बी वेरी ऑफ US पाक डील. बी वेरी ऑफ US पाक डील, वेरी का मतलब होता है, वेरी इज एन एडजेक्टिव, मतलब होता है केयरफुल व्हेन डीलिंग विद समबडी और समथिंग, यानी कि कॉशियस होना, बहुत ही केयरफुल होना. एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा द पुलिस विल नीड टू कीप अ वेरी आई ऑन दिस एरिया ऑफ टाउन, कि पुलिस जो है इस पर एक विल कीप अ वेरी आई, यानी कि कॉशियस आई रखेगी इस एरिया ऑफ टाउन पे. एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम कह सकते हैं अलर्ट, कॉशियस, चैरी, सर्कमस्पेक्ट, कंजर्वेटिव, कंसिडरेट, जिंजरली, गार्डेड, हीडफुल, सेफ, केयरफुल. सिनोनिम्स इसके इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2015 में इसका सिनोनिम्स पूछा गया था. ठीक है, एंटोनिम्स क्या होते हैं, केयरलेस, हीडलेस, इनकॉशियस, अनगार्डेड, अनमाइंडफुल, अनसेफ या अनवेरी, दीज कैन बी सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड. ठीक है, आगे देखिए, यहां पर लिखते हैं सॉरी, दलित प्रोटेस्ट टर्न्स वायलेंट इन द कैपिटल, भीम आर्मी चीफ अलॉन्ग विद 50 अदर्स डिटेन फॉर प्रोटेस्टिंग टेम्पल डिमोलिशन, पुलिस पर्सनल बैटन चार्ज एक्टिविस्ट ऑफ द भीम आर्मी ड्यूरिंग अ रैली इन दिल्ली ऑन वेंसडे. ठीक है, तो ये क्या उन्होंने किया, बैटन चार्ज किया. बैटन चार्ज करने का मतलब क्या होता है, बैटन चार्ज करना, लाठी चार्ज करना या सुगर केन चार्ज करना, इन तीनों का मतलब होता है लाठी चार्ज करने के लिए ही तीनों का इस्तेमाल किया जाता है. बैटन चार्ज, लाठी चार्ज, सुगर केन चार्ज, तीनों का मतलब होता है लाठी चार्ज करना. ठीक है, इसके अलावा देखिए यहां पर लिखते हैं आपका The next word we see here is, यहाँ पर word आया है आपका स्पेयर करना. ठीक है, स्पेयर टू मेक समथिंग, स्पेयर का मतलब होता है आपका, लेट मी सी वेयर वॉज द वर्ड, एंड इट वॉज, ऑल राइट, ओके, सो लेट्स सी द वर्ड, आई डो नॉट गेट वेयर द वर्ड वॉज देयर, बट स्पेयर यहाँ पर लिखा है. स्पेयर आपका नाउन है और वर्ब है, मतलब हो जाता है टू मेक समथिंग सच एज टाइम और मनी अवेलेबल टू डू समथिंग. कहने का मतलब है, जैसे कि इफ़ आई से डू यू हैव अ स्पेयर पेन, क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पेन है. इफ़ आई से डू यू हैव अ स्पेयर पेन का मतलब क्या हो गया, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है. तो स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा पेन होना, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होना. ठीक है, एज जैसे कि अगर मैं कहूँ शुड आई स्पेयर सम टाइम फॉर यू, मतलब क्या मुझे तुम्हारे लिए कुछ टाइम रिजर्व में रखना चाहिए, तो ये मतलब हो जाता है. कुड यू स्पेयर वन ऑफ योर स्टाफ टू हेल्प अस आउट, क्या तुम मुझे अपना एक स्पेयर, एक जो स्टाफ है वो दे सकते हो हमें हेल्प करने के लिए, ये यहाँ पर स्पेयर का मतलब हो जाता है. इसके अलावा देखिए अगला आता है आपका स्पेयर समबडीज ब्लशेस. स्पेयर समबडीज ब्लशेस का मतलब क्या होता है, टू सेव समबडी फ्रॉम एन एम्बेरसिंग सिचुएशन, किसी को एम्बेरसिंग सिचुएशन से बचाना. फॉर एग्जाम्पल अ लास्ट मिनट गोल स्पेयर्ड दियर ब्लशेस, यानी कि लास्ट मिनट गोल जो था उससे उनके जो ब्लशेस हैं वो बचे, यानी कि लास्ट मिनट गोल से उनका जो एम्बेरसमेंट होने वाला था वो बचा. ठीक है, तो लास्ट मिनट जॉब से किसी का एम्बेरसमेंट बचने के लिए आता है स्पेयर समबडीज ब्लशेस का मतलब हो गया एम्बेरसमेंट से बचना. अगला वर्ड है स्पेयर समबडीज फीलिंग्स.
स्पेयर समबडीज फीलिंग्स का मतलब हो जाता है टू बी केयरफुल नॉट टू डू और सेज एनीथिंग दैट माइट अपसेट समबडी, यानी कि आप किसी की फीलिंग्स को छोड़ रहे हैं, यानी कि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी को बुरा ना लगे, वो उसे नाराज ना हो और उसकी भावनाओं को वो हर्ट ना करे। टू स्पेयर का मतलब होता है इफ़ यू हैव टाइम और मनी एटसेट्रा टू स्पेयर यू हैव मोर देन यू नीड, यानी कि अगर आपके पास समथिंग टू स्पेयर है यानी कि आपके पास जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, जैसे कार में हम स्पेयर पार्ट्स रखते हैं या स्पेयर टायर रखते हैं कि एक्स्ट्रा टायर हो। आई हैव गॉट एब्सोल्युटली नो मनी टू स्पेयर दिस मंथ, यानी कि मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है इस महीने, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो स्पेयर का मतलब यहाँ से आ गया। ठीक है, आगे बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि फॉसिल शो कच्छ डेजर्ट वॉज वंस अ फॉरेस्ट, मैमथ फाइंड, मैमथ वर्ड आया है, और देखो साथ ही साथ यहाँ पर एक और वर्ड आया हुआ है, लेट मी शो यू, एक तो मैमथ आया है यहाँ पर एक तो मैमथ आया है, दूसरा देखिए गोम्पो दे रहा है। तो देखिए मैमथ का मतलब क्या होता है, मैमथ इज अ नाउन विच मीन्स अ लार्ज लाइक एन एनिमल लाइक अ लार्ज एलिफेंट, एक बहुत बड़े एलिफेंट की साइज का मैमथ बोलते हैं, उसे बोलते हैं। मैमथ एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है, तब इसका मीनिंग होता है समथिंग विच इज एक्सट्रीमली ह्यूज, कोई बहुत ही बड़ा है चीज। एग्जाम्पल के तौर पर आता है बेमथ, ब्लॉकबस्टर, कोलोसस, डायनासोर, ड्रेडनॉट, गोलियथ, जंबो, लेवेथन, जाइंट, मॉस्टोडन, टाइटन या वोपर, ये इसके सिनोनिम्स आ सकते हैं, क्योंकि मैमथ एज अ नाउन साथ ही साथ एज एन एडजेक्टिव दोनों ही रूप में इस्तेमाल होता है, इसलिए जब ये एज अ इस्तेमाल होगा जब एज एन एडजेक्टिव तो इसका मतलब हो जाता है समथिंग विच इज एक्सट्रीमली ह्यूज, तो मीनिंग हो जाएगा बेमथ, ब्लॉकबस्टर, कोलोसस, डायनासोर, ड्रेडनॉट, गोलिथ, चंबो, लेविथन, जाइंट, मोस्टोडन, टाइटन एंड वोपर। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है डिमिनिटिव, डॉफ, हाफ पिंट, मिजेट, माइट, पीवी, पिग्मी, रंट एंड श्रिम्प, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, टर्म आया था गोम्पोदेयर, तो गोम्पोदेयर एक तरीके का एक्सटिंक्ट प्राणी है, इस तरीके का हाथी जो था इसको हम गोम्पोदेयर बोलते हैं, जो अभी हमें नहीं दिखता है, तो इसी को गोम्पोदेयर बोला जाता है। ठीक है, ये कैसा है, एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट मतलब एज डेड एज डोडो, या फिर जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, और एक्सटांट मतलब क्या होता है, ऑफ समथिंग वेरी ओल्ड स्टिल इन एग्जिस्टेंस, कुछ ऐसा जो बहुत पुराना है लेकिन अभी भी एग्जिस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बस्ट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसी को हम बस्ट कहते हैं। ठीक है, ABVP distances itself from DUSU installing bust on North Campus, उस पर जो ये बस्ट है, जो मूर्ति वहाँ पर करी गई है इंस्टॉल, इससे उन्होंने किनारा कर लिया है। ठीक, सो दीज आर द वर्ड, दीज वर द वर्ड्स, जो कि आपके सारे वर्ड्स थे आपके दो कल के और आज के अखबार के, मैंने आपके सारे डिस्कस कर दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने यहाँ तक देखा है, तो कमेंट सेक्शन में अटेंडेड जरूर लिखिएगा, और उसके बाद इस वीडियो को कम से कम अपने एक से दो फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हम या लार्जर ऑडियंस तक इसे पहुँच पाएँ और हम इसे आपके लिए कंटिन्यू कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।